बीते 22 अगस्त को एम्स के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय को एम्स एलिवेटेड रोड के अप्रोच रोड के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनके ऊपर गोलीबारी की थी। या इस घटना में वह बाल बाल बचे थे या उन्होंने अपने आवेदन में घटना होने से 4 दिनों पहले गार्ड बहाली को लेकर एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने दानापुर विधायक के भाई पिंकू यादव को आरोपी बनाया था। इस संबंध में दानापुर विधायक ने भाई पर लगे आरोप को गलत बताया था। वही इस मामले को लेकर पटना पुलिस ने सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर फायरिंग करने वालों में से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर CTSP पश्चिमी अभिनव दीमान ने बताया कि डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर गोलीबारी मामले में 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों में एक राजकुमार और दूसरा गुड्डू यादव है। दोनों एम्स में गार्ड है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड के बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से पैसा लेकर बहाली कराता था जिसका 50% पैसा और बहाली प्रक्रिया की सभी सूचनाएं पिंकू यादव को देता था। उन्हीं के कहने पर यह घटना करने की बात पुलिस को बताई है। वह इस कांड में पिंकू यादव समेत कई शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 22/8 को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें फुलवाड़ी और खगौल के बॉर्डर पे एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PN राय द्वारा ये बताया गया कि वो जब ऑफिस के लिए निकले थे घर से अपने एक गार्ड और ड्राइवर के साथ, तभी एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी आए और उनकी गाड़ी पे जो है पीछे से हमला कर दिया। इसी क्रम में तुरंत थाने द्वारा रिएक्ट किया गया। वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पर दोनों ASP दानापुर ASP फुलवाड़ी घटनास्थल पर पहुँचे और पाया गया कि जो PO है वो खगौल थाना अंतर्गत जहाँ पे एम्स डी का फ्लाईओवर उतरता है वहीं पे अप्रोच रोड के पास ही घटना कारित की गई थी। तो खगौल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जितना प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश में आया वो ये पता लगा कि जो आरोप है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो कोलकाता में RG कार में एक रेप केस हुआ है, उसी के बाद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उसमें बहाली की जा रही है, उनको सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी देखती है, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली करके कंपनी है वहाँ से वो देखती है, उन्हीं में करीब 25% बहाली एक्स्ट्रा की जानी थी, तो करीब 50 से 60 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल किया जाना था। इसी में जो PN राय हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा कि आप जो हैं हमारे लोगों की बहाली कीजिए। इसी में उनको 19 तारीख को एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो पिंकू यादव बताया था, वर्तमान विधायक दानापुर के वो सगे भाई हैं, और उनने ये फ़ोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी कॉन्वर्सेशन में इसका पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास वादी द्वारा दिया गया है। इसकी पहचान, ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों वॉइसेस को जो है वो मैच किया जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम गुड्डू यादव था, जो सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर एम्स में ही कार्यरत हैं। उसी के साथ वादी द्वारा एक और व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया जिसका नाम राजकुमार है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एम्स सिक्योरिटी में ही कार्यरत हैं। राजकुमार के ऊपर एम्स में मारपीट का एक केस फुलवाड़ी थाना अंतर्गत मार्च महीने इसी साल में किया गया था। एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था जिसमें बहाली को लेके दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में एक धनंजय कुमार व्यक्ति हैं जो भी गार्ड के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, उनको साथ मारपीट की गई थी, तब से ये राजकुमार जो है वो फरार चल रहे थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि PN राय इन व्यक्तियों की जितने भी 2 अभियुक्त हैं और अन्य अभियुक्त हैं उन सभी की बात नहीं मान रहे थे, उनको जिन विशेष व्यक्तियों की ये बहाली चाह रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में एक सोची समझी साजिश के तहत ये सभी लोग पिंकू यादव के पास गए, उनको बताया कि आपके व्यक्ति और हम जो लिस्ट दे रहे हैं उन व्यक्तियों की बहाली PN राय द्वारा नहीं की जा रही है। तभी पिंकू यादव द्वारा एक अभियुक्त जो इसमें राजकुमार हैं उन्हीं के फ़ोन से कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं DL राय, उनको फ़ोन किया गया, उनको बोला गया कि आप काइंडली हमारे व्यक्तियों को बहाल कीजिए।
उनके द्वारा बताया गया डीएल राय द्वारा कि जो मेडिकली या फिजिकली फिट कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, वो फॉरवर्ड जो होती है वो पीएन राय द्वारा की जाती है, तो काइंडली आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद पिंकू यादव ने अपने ही फोन से जो धमकी भरा कॉल पीएन राय के पास गया था उसमें उनको धमकाया, उनको बोला कि हमारे लोगों को बहाल कीजिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी क्रम में एक साजिश बनाई गई जिसमें 22 तारीख को जो है वो घटना प्रकाश में आई। पहले एक साजिश बनाई गई थी कि जहाँ पे ये रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पीएन राय, वहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला किया जाएगा, इनको मारपीट की जाएगी, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करने गए नहीं इसीलिए वो जो है उनकी गाड़ी को 9:50 जब वो घर से निकलते हैं फॉलो किए और खगौल के पास जाके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक SIT फॉर्म की गई थी ASP दानापुर और फुलवाड़ी ASP दोनों की अध्यक्षता में, साथ ही साथ SHO खगौल, SHO दानापुर, SHO रूपसपुर, साथ ही साथ SHO फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 6 और अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो है अभी फरार है, उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिंकू यादव का नाम है जी, गिरफ्तार व्यक्ति हैं, इन दोनों का क्या रोल था? जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, मैं आपको अगर इसका प्राइस डायनेमिक समझाऊं तो ये था कि हर गार्ड को बहाली करने के लिए करीब 60,000 रुपया जो है गार्ड से लिया जाता था, उसी में स्प्लिट जो होता था 50% पिंकू यादव को जाता था, 20,000 जो है या तो सिक्योरिटी ऑफिसर को या फिर जो इसमें गुड्डू को यादव है उनको दिया जाता था या कोई और व्यक्ति जो उसको लाता था, रिमेनिंग पैसा जो भी सिक्योरिटी गार्ड उस व्यक्ति को लेके आएगा उसको दिया जाता था। तो ऐसे करके कट सभी का फिक्स था। तो कुछ 7 से जो हम बता रहे हैं करीब 38 लोगों से पहले ही बात हो गई थी पिंकू यादव और उनके लोगों की, हम आपको बहाली कराएंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं रखी जा रही थी, उनसे एडवांस पैसा ले लिया गया था, तो उसी क्रम में जो है उनकी बात नहीं रखी जा रही थी और लोगों से ऑलरेडी पैसा ले लिया गया था, इसी क्रम में दबाव बनाया जा रहा था पीएन राय के ऊपर कि आप इन्हीं व्यक्तियों को जो है सिलेक्ट करें वरना जो है अंजाम बुरा होगा। अभी जो पैसे का मनी ट्रेल है उसका बात सामने नहीं आई है, अभी तक सिर्फ इतना पता लगा है कि हर व्यक्ति के ऊपर जो 60,000 रुपए हैं वो 60,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक हर व्यक्ति के ऊपर जो तो फिक्स्ड होता था। गुड्डू यादव की बहाली कौन किया है? गुड्डू यादव जो है करीब 2017 में एम्स की सिक्योरिटी में इन्हें ज्वाइन किया था, इनकी बहाली जिनने की है उसके बारे में अभी तक नहीं पता है, वो पता कर लिया जाएगा। लेकिन अपने आप को ये एसोसिएट बताते हैं पिंकू यादव के, अपने आप को जो है वो भगना भगना बोलते थे पिंकू यादव का, क्योंकि जिस एक इनका दोस्त है जो एक्चुअली में भगना है पिंकू यादव का, उसी के साथ ही बचपन से जो है वो पढ़ाई लिखाई की है, बचपन से उसको जानते हैं, इसीलिए अपने आप को पिंकू यादव का जो है भगना वो बताते हैं। गुड्डू यादव है इसमें से, जो राजकुमार है वो सिक्योरिटी गार्ड के काम उस पे पद पे कार्यरत है और जो गुड्डू यादव है वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक पद ऊपर उससे कार्यरत है। इसमें जो राजकुमार है, इसमें जो राजकुमार है वो सुबह जो जहाँ पे जिस पार्क में ये वर्कआउट करने जाते थे वहां पे ये साथ में गए थे, वहां पे ये आए नहीं, फिर राजकुमार द्वारा जो शूटर्स हैं फुलवाड़ी के और इधर खगौल के, उनको इनके घर की पीएन राय के घर की पहचान कराई गई, लाइनर का काम जो है इनके द्वारा किया गया। राजकुमार जी, दोनों की गिरफ्तारी ऐसे हुई कि जो वादी हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आशंका थी कि इन दोनों का इसमें संलिप्तता रही हुई होगी, पहले भी उनके साथ बकझक की गई थी, तो उनके द्वारा जो इनके फोन डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए गए, हमारे द्वारा इन दोनों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई, तभी उसमें पता लगा कि जो है इनकी संलिप्तता सामने आई है। अन्य अभियुक्तों की जो जैसे ही हम लोग गिरफ्तार करने पहुंचे, इसमें से एक बाउंसर हैं जो एम्स में ही कार्यरत हैं, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के द्वारा शूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं और पिंकू यादव और अन्य अभियुक्त जो है इसमें फरार चल रहे हैं। पिंकू यादव का आउटराइट इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्स्पिरेसी है उसके मुख्य चीफ जो है वो पिंकू यादव ही, पर कार्रवाई की जाएगी, जितनी अभी तक संलिप्त आई है पिंकू यादव की आई है उनको तो हम गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे।